हेलो बच्चों, तो आज जो है ये प्रैक्टिस सेट 1.1 है। प्रैक्टिस सेट 1.1 मैथ्स 2 का है, ज्योमेट्री का है। ठीक है, तो यह आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें नंबर लाइन है। ये जो नीचे वाले नंबर होते हैं इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। और ये जो ऊपर के होते हैं इसे क्या बोलते हैं? पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये जो दो पॉइंट ही है इसके बीच का डिस्टेंस जो है निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालना, तो उसमें पहले क्या देखना पड़ता, जैसे अभी यहाँ पे बी और ई का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो पहले देखना बी का नंबर कौन सा है, मतलब बी का कोऑर्डिनेट कौन सा है। कौन सा है? बी का कोऑर्डिनेट 2 है। और ई का कौन सा है? ई का है 5। तो 2 और 5 में कौन सा बड़ा है? यस, 5 बड़ा है। ठीक है, तो कैसे करना सॉल्व यहाँ पे? 5 ग्रेटर देन 2। ठीक है, 5 बड़ा है, तो देयरफॉर इसका डिस्टेंस क्या होगा? तो इसमें देखना जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर माइनस करना। 5 - 2 कितना होता है? 3। मतलब इसका हिस्से कितना होगा? 3 होगा। बस हो गया, सिंपल है। जे का ए का डिस्टेंस निकालना है आपको। जे का भी जे इसका क्या है? कोऑर्डिनेट -2। ए का कौन सा है? 1। कौन सा बड़ा है? -2 है कि 1 है? हमेशा पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से बड़ा रहता है। या नंबर लाइन पे जो नंबर राइट साइड में है वो नंबर लेफ्ट साइड से हमेशा बड़ा रहता है। तो 1 इज बिगर, 1 इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो इसीलिए इसका डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ जे ए इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस क्या होगा? -2। वन माइनस माइनस मीन्स माइनस बढ़िया, माइनस क्या होता? प्लस होता है, प्लस लिखेंगे 2। 1 + 2 कितना होगा? 3। तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा? 3 आएगा। पी सी देखो, पी का कौन सा है कोऑर्डिनेट? -4 है। सी का कौन सा है? 3 है। तो कौन सा बड़ा है? -4 और 3। तो 3 बिगर, 3 इज ग्रेटर देन -4। ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पी सी क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन पी सी क्या होगा? तो पी का नंबर ये यहाँ पे हमने नंबर लिखे बी और सी के, 3 इज बिगर, तो 3 माइनस -4। ठीक है, माइनस दो बार है ना, तो हमने ब्रैकेट दे दिया। तो यहाँ पे क्या होता? माइनस बढ़िया, माइनस इज अ प्लस, तो 3 + 4 आएगा। 3 + 4 इज अ 7। मीन्स इसका जो डिस्टेंस है बी और सी में कितना आएगा? 7 आएगा। और देखते हैं जे और एच, जे का कौन सा है कोऑर्डिनेट? जे का है -2 और एच का -1। तो कौन सा भी करे, माइनस वन से भी कर, -1 इज ग्रेटर देन -2। फिर से हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जे और एच। तो क्या होगा? -1 माइनस -2। -1 माइनस माइनस या माइनस मटे माइनस क्या होता है? प्लस 2। तो डिफरेंट साइन अगर है तो रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 2 - 1 इज अ 1। और बिगर में साइन देते हैं, साइन क्या है? प्लस है, मतलब ओनली 1। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन के एंड वो निकालना है हमें। तो के का नंबर कौन सा है? -3। वो का कौन सा नंबर है? 0। तो कौन सा बड़ा है? 0 बड़ा है। 0 इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ के ओ इज इक्वल टू क्या होगा? 0 -3।
माइनस दो बार ऐसे ब्रैकेट दे दिया, अब क्या होगा जीरो प्लस क्या होगा माइनस माइनस प्लस माइनस मल्टीपल माइनस इज प्लस और ये थ्री, जीरो प्लस थ्री इज थ्री, मतलब इसका डिस्टेंस जो है के और ओ के बीच में कितना आएगा थ्री आएंगे। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन निकालना है ओ एंड ई, तो ओ का कौन सा नंबर जीरो है, ई का कौन सा नंबर है, ई का कोऑर्डिनेट है फाइव, तो फाइव इज बिगर, तो इसलिए लिखेंगे फाइव इज ग्रेटर देन जीरो। अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ओ ई कितना होगा, तो बिगर नंबर फाइव, फाइव माइनस कितना होगा फाइव माइनस जीरो, फाइव माइनस जीरो इज अ फाइव, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो डिस्टेंस है वो निकालनी है। तो बाकी सब पी और जे और ये जो क्यू और बी है ये आपको होमवर्क के लिए करने हैं, ठीक है।